नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश नटानी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन पाठशाला में। अब तक हम सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ्यूल मैकेनिक सब्जेक्ट देख रहे थे। इसमें हमने टरबाइन क्या होता है, टरबाइन के टाइप्स, तीन बेसिस पे हमने टरबाइन के टाइप्स देख लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि टरबाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ वाटर दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, जिसमें फर्स्ट इम्पल्स टरबाइन और दूसरा रिएक्शन टरबाइन, ये दोनों हमने देख लिए थे। उसके बाद में हमने डिफरेंस देखे थे इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन पर। अब आज हम आपको बताएंगे कि जो पावर प्लांट होता है, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है, उसका लेआउट कैसा होता है। जल विद्युत संयंत्र का लेआउट हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हो ये एक डैम है। इस डैम में ये इसका हेड है, मैंने आपको पहले बता दिया था हाइड्रोलिक हेड और अवेलेबल हेड में क्या डिफरेंस होता है, सॉरी टोटल हेड और अवेलेबल हेड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये इसका हेड है, ये रिवर का हेड है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब कि आपका यहाँ से यहाँ तक का हेड या आपका अवेलेबल हेड होता है, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ से पानी किसके थ्रू आएगा, ये पेनिस्टोक है। जो भी पाइपलाइन जो होती है उसे हम बोलते हैं पेनिस्टोक, ठीक है। तो पेनिस्टोक के थ्रू वाटर टरबाइन के लिए जाएगा। फिर ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक किस टाइप का टरबाइन है। आपने पढ़ा है कि पेल्टन व्हील टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन, तो ये आपका फ्रांसिस टरबाइन है। क्यों? क्योंकि पेल्टन व्हील में यहाँ पे नोजल लगी होती है और नोजल स्ट्राइक करती है बैकेट्स के ऊपर, बट जो फ्रांसिस टरबाइन होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वाटर से, उसमें कोई प्रकार की नोजल नहीं लगी होती है। तो यहाँ पे ये फ्रांसिस टरबाइन है, पर यहाँ पे ये वाटर इसमें इसके ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगा। इसके बाद में ये वाटर यहाँ से बाहर हो जाएगा, आउटलेट है ये इसका। अब जो टरबाइन है, टरबाइन रोटेट करेगा, तो उससे हमने कनेक्ट कर रखा है जनरेटर। ये आपका जनरेटर है, ये आपका टरबाइन हो गया, ये आपका जनरेटर हो गया। वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ये मोटर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसके बाद में ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इसको सेंड कर दिया जाएगा। तो अपना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में अब मैं इसके एक एक कंपोनेंट्स बताता हूँ। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला चीज है अपना डैम, डैम जिसमें हम वाटर को स्टोर करेंगे, ये रिजर्वर है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अपना आता है टरबाइन। ऑब्वियस है टरबाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी स्टडी हम कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर को यूज करके टरबाइन को रोटेट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब टरबाइन हमने देखे थे कि टरबाइन तीन तरह के हैं अपने पास, पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कापलान टरबाइन। तो वहां पे जैसा भी अपने पास हेड है, जैसा भी डिस्चार्ज है, उस अकॉर्डिंग हम टरबाइन यूज करेंगे। और जो भी टरबाइन है उससे हम जो शाफ्ट है उसको रोटेट करेंगे। अब वो शाफ्ट कनेक्ट होता है जनरेटर से, और जनरेटर क्या करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में उस इलेक्ट्रिक सिटी को हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जहां भी यूज करना है वहां पे ट्रांसमिट कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं टरबाइन की, तो यहाँ पे सबसे पहला टरबाइन है पेल्टन व्हील टरबाइन। तो पेल्टन व्हील टरबाइन में क्या होगा, पेल्टन व्हील टरबाइन में वोटर नोजल के थ्रू स्ट्राइक करता है बकेट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये अपनी बकेट्स हो गए, इसके ऊपर ये रोटेट करेगा। उसके बाद में ये शाफ्ट को रोटेट करवाएगा, उस शाफ्ट फिर जनरेटर को रोटेट करवाएगी। तो अगर मैं मेन पार्ट्स देखूं पेल्टन व्हील टरबाइन के, तो पेल्टन व्हील टरबाइन में सबसे पहला चीज होता है नोजल। जिस नोजल क्या काम करती है, नोजल आपका जो वाटर आ रहा है पेनिस्टोक के थ्रू उसको, ये चूंकि इसमें प्रेशर एनर्जी है और प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें नोजल लगानी पड़ती है,
तो ये नोजल से जो पानी की वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ी हुई वेलोसिटी बकेट के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो रोटेट करेगा आपका शाफ्ट काफी स्पीड में, ठीक है। दूसरा होता है केसिंग। केसिंग क्या काम करता है? केसिंग कुछ नहीं, आप केसिंग जो आपका टरबाइन है उसको एक आवरण प्रदान करता है, उसको एक कवर प्रदान करता है, ठीक है। तो केसिंग आपका ये काम करेगा। उसके बाद में रनर विद बकेट। अब जो वोटर है वो किसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है? बकेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। बकेट किस पे कनेक्ट है? वो रनर के ऊपर कनेक्ट है, तो बकेट विद रनर। और नेक्स्ट है ब्रेकिंग जेट। ये ब्रेकिंग जेट क्या होती है ये मैं आपको सब एक वीडियो बताऊंगा, उसमें सबको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि यहां से ये जो आपके नोजल है ये इसको रोटेट करवाएगा। अब अगर आपको इसको रोकना है तो कैसे रोकोगे? तो ब्रेकिंग जेट होती है इसके जस्ट ऑपोजिट में, जो आपकी स्ट्राइकिंग जेट है उसके जस्ट ऑपोजिट में हमारी ब्रेकिंग जेट होती है जो कि इसको रोकती है। ब्रैक मतलब कि रोकना, तो ब्रैक देती है वो इसको रोकती है। किसको? जो रोटेट करता हुआ टर्बाइन है उसे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मेन पार्ट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। अरे ये बोल रही।